जिलासी जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अब जो है महापौर पद के लिए जो है सभी नाम सामने आ रहे हैं, भाजपा के भी कई नाम सामने आ रहे हैं, साईं पार्टी भी इच्छुक है, कहीं ना कहीं शिवसेना भी जो है इसमें इच्छुक नजर आ रही है, तो किस तरीके से इस पूरे महापौर पद को लेकर आपकी राय रहेगी? देखिए, जहाँ तक भाजपा और साईं पार्टी की बात है तो महानगर पालिका में 2016 से युति है, करार हुआ है, उस हिसाब से वो 2.5 साल से अच्छी तरह से प्यार मोहब्बत से वाटाघाटी करके और एज पर एग्रीमेंट करार के हिसाब से वो चल रही है। महापौर बीजेपी का है, उपमहापौर साईं पार्टी को दिया हुआ है, यहाँ तक के सभागृह नेता साईं पार्टी को दिया हुआ है, इससे पहले स्टैंडिंग भी साईं पार्टी को दी गई, तो जो करार के हिसाब से है बल्कि उससे अधिक जो वाटाघाटी में उनको वो दिए हुए हैं। तो अब जो टर्म है वो ऐसा है कि भाजपा और साईं पार्टी की तो यहाँ पे युति है ही है, उनके हिसाब से उनको चलना है, वरिष्ठों को तय करना है कि क्या किस तरह से क्या उनको दिया जाए, क्या किया कर के आगे वो जैसे ही होगा पता चलेगा, पर जो महापौर है वो भाजपा के कमल की फूल वाला होगा, ये तय है। रही बात शिवसेना की, तो शिवसेना महानगर पालिका में हमारे साथ विपक्ष में है, पर राज्य लेवल पर देखें तो शिवसेना के साथ हमारी युति है, महायुति में शिवसेना हमारे साथ हैं। 2014 से शिवसेना महायुति में थी, अभी हमने लोकसभा के चुनाव शिवसेना के साथ मिलकर रहे हैं, 303 और एनडीए को 354 का लक्ष्य आया, उसमें शिवसेना भी भागीदार है। अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हमने महायुति में लड़े हैं और सबको बहुमत स्पष्ट मैंडेट आया है महाराष्ट्र में, वो शिवसेना भाजपा महायुति को आया है। तो शिवसेना जो हमारे साथ नैसर्गिक युति में है, तो हम चाहेंगे कि उल्लासनगर महानगर पालिका, वैसे भी शिवसेना के बहुत सारे नेता यहाँ पर आके कह के गए हैं कि खड़ी युति अगर देखने को किधर मिलती है सेना और भाजपा की, तो उल्लासनगर में मिलते हैं, उसमें हमारे युवा नेता आदित्य ठाकरे हो या हमारे युवा डॉक्टर खासदार हो या शिंदे साहब हो खुद हो या उद्धव जी हो या हमेशा मातोश्री से जो भी रिगार्ड्स आते हैं उल्लासनगर भाजपा के लिए, तो वो मधुर आते हैं, अच्छे आते हैं, और ये जो खड़ी युति है यहीं दिखती है। तो हम चाहेंगे कि ये बार जो महापौर का चुनाव है उसमें शिवसेना जो हमारी नैसर्गिक युति है साथ में रहकर और भाजपा के उम्मीदवार को महापौर बनाए और शहर के विकास को और शहर के बाकी रुके हुए कामों को मिलकर, ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आज न कल वो ऊपर सब सेट होने वाला है, ये दिनों की बात है, ये थोड़ा बहुत कहते हैं कि समय की बात है, पर आगे तो तय, सबको मालूम है, महाराष्ट्र की जनता ने भी इन दोनों पक्षों को मैंडेट दिया है, इन दोनों पक्षों को बोला है राज चलाने के लिए। तो उल्लासनगर महानगर पालिका में भी शिवसेना जो हमारी महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा में हमारे एनडीए में हमारी मित्र पक्ष है, वो भी उल्लासनगर में हमारे भाजपा के कमल के फूल के उम्मीदवार को महापौर में उम्मीद हमें उम्मीद है कि वो सपोर्ट करेगी। शिवसेना चाहे तो यहाँ पर जो है उनके साथ मिलकर सत्ता को अलायंस कर सकते हैं, महापौर भी जो है हो सकता है जिस तरीके से कहा, लेकिन अधिकतर जो है जिस तरीके से जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों के साथ भाजपा की यदि बात करें तो वो रहेंगे वहीं पर, फिर यहाँ पर विपक्ष खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे तो एक विपक्ष रह जाता है एनसीपी, और चुनाव के वक्त जिस प्रकार से चुनाव हुए थे भाजपा और एनसीपी यहाँ पे दोनों ही विरोध में लड़ रहे थे, तो कई जो है टीका टिप्पणी की गई थी, कई आरोप लगाए गए थे, तो अब चुनाव के बाद किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महानगर पालिका में उल्लासनगर महानगर पालिका में अगर शहर में विकास करना है तो मेल जोर से ही करना होगा। देखिए, विधानसभा चुनाव हो चुका है, उसके परिणाम आ चुके हैं, वो एक समय खत्म हो चुका है, वो एक पीरियड खत्म हो चुका है, उस वक्त क्या हुआ, एनसीपी के लोगों के साथ वादा किया गया था, वो टिकट न मिली, टिकट कुमार रानी को मिली, भाजपा के लोगों ने कुमार रानी का काम किया, सेना के लोगों ने कुमार रानी का काम किया, कुछ लोगों ने राष्ट्रवादी का काम किया, वो उस वक्त की मांग थी या उस वक्त का जो भी समय था वो निकल चुका, पर आज का समय ये है कि हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, जितने भी 31 लोग कमल के फूट के ऊपर चुन के आए हैं और दो हम जो मनोनीत हैं, हम टोटल 33 लोग जो नगर सेवक हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, कमल के फूट के हैं, अभी हमारे में कोई मतभेद नहीं है, थोड़ा बहुत मतभेद या रहेगा या थोड़ी नाराज़गी रहेगी या तो आक्रोश रहेगा तो वो समय रहते निकल जाएगा, अब वक्त आया है फिर से हमको मिलकर जो चुनाव में हो गया उसको ख़त्म करके, जो आक्रोश था सबका ख़त्म हो गया, मेरे मन में आक्रोश था, उनके मन में आक्रोश था, किसी और के मन में, वो सब आक्रोश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद या पहले निकल चुका है, अभी कोई भी द्वेष आक्रोश या किसी भी प्रकार का एक दूसरे के लिए खिंचातानी नहीं है, द्वेष नहीं है, हम सब 31 लोग और दो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे, जो वरिष्ठों का आदेश आएगा हमें वो मानना पड़ेगा, हम वो मानेंगे और आगे चल के शहर के विकास में और शहर के बाकी कामों में मिलकर कार्य करेंगे, ये हम सबकी सोच है। Subscribe Munch TV on YouTube and press the bell icon to never miss an update from Munch TV.